मिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर 9। हम बेसिकली चैप्टर की रिवीजन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर लेट स्टार्ट विद सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, नॉमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चंस। लेट से आपके पास कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि आप लेट से ट्राई मिथाइल बेंजीन, आपको एक कंपाउंड का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, और आपको कह दिया जाता है कि इसके आप आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। तो आप कैसे करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स? सबसे पहले तो आपको नाम से इसके क्या पता चल रहा है कि ट्राई मिथाइल मीन्स तीन मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं किसी बेंजीन के ऊपर, तो आप एक बेंजीन ड्रॉ करो, ठीक है, और इस पर आप मिथाइल ग्रुप्स लगाओ, कौन कौन सी पॉसिबल लोकेशंस पे हो जाते हैं। एक को तो आप फिक्स कर लो, एक तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, अब बाकी जो दो है ना वो आप अपनी मर्जी से लगाओगे, ठीक है। एक दफा मैं एक और बेंजीन लगा लेता हूँ यहाँ पे, और अब हम देखते हैं कि तीन मिथाइल किस तरह लगाए जाए। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं इन तीनों को साथ साथ वाले कार्बन एटम्स के ऊपर लगा दूं, जुड़े हुए तीनों के साथ, ठीक है, मसलन एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे, तीनों जुड़े हुए, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं दो साथ साथ वाले कार्बन एटम्स पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दूं, ठीक है, और तीसरा मिथाइल ग्रुप एक गैप से लगा दूं, ठीक है, एक ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है। और एक और स्ट्रक्चर आप यूं बना सकते हो कि आप दो उसी तरीके से लगे रहें मिथाइल ग्रुप्स, और तीसरा आपने एक गैप से लगाया था, अब आप दो गैप से लगा दो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप गौर करो, ये जो ये वाले दोनों स्ट्रक्चर्स है ना, ये बेसिकली एक ही चीज है, ठीक है। देखो, दो साथ साथ वाले कार्बन एटम्स पे दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक साइड से दो के फासले पे एक मिथाइल और एक साइड से एक के फासले पे एक मिथाइल। इसमें भी यूं ही है, दो साथ साथ वालों पे मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक साइड से एक के फासले पे और एक साइड से दो के फासले पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों स्ट्रक्चर्स तो आपके पास एक ही चीज हो जाएंगे। तो आप इसके अलावा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ करने की कोशिश करो तो इसके अलावा और कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पहले हमने दो ड्रॉ किए हैं, बेसिकली आपके पास यही दो इसके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे अगर आप ट्राइमिथाइल बेंजीन ले रहे हो, ठीक है। एक और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और की लेट से आपको गिवन है कि आपने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं ब्रोमो नाइट्रो टोलुइन के, ब्रोमो नाइट्रो टोलुइन के। इसका मतलब है कि अब इसमें बेसिकली कोई बेंजीन है जिसके ऊपर एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और एक टोलुइन, एक ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और एक आपके पास टोलुइन का मतलब इसमें CH3 तो वैसे ही है, एक लगा हुआ है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि एक CH3 लगा दो, ठीक है। तो अब इसका मतलब अब आपके पास टोलुइन बन गया। अब टोलुइन के ऊपर आपने क्या क्या करना है, आपने एक ब्रोमो लगाना है और एक नाइट्रो लगाना है, दो ग्रुप्स लगाने हैं आपने। तो एक आप ब्रोमो यहां पे साथ इसके लगा दो और एक बिल्कुल यहां पे आप नाइट्रो लगा दो, एक पॉसिबिलिटी ये बन जाती है, ठीक है। सेकेंडली आप अगेन एक बेंजीन लो और उसमें ऊपर टोलुइन के लिए हम एक ऊपर फिक्स कर देते हैं कि लेट से वो तो हमेशा ही ऊपर ही रहेगा। फिर आप इस दफा क्या करो कि आप यहां पे नाइट्रो लगा दो और यहां पे ब्रोमो लगा दो, ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CH3, और इस दफा आप क्या करो कि इस दफा आप एक गैप से लगा दो, मतलब यहां पे आप लगाओ ब्रोमो और जो आपने नाइट्रो लगाना है ना वो आप लगा दो एक छोड़ के एक पोजीशन के ऊपर, यानी यहां पे आप नाइट्रो लगा दो, यूं एक स्ट्रक्चर बन गया। फिर आपके पास एक चौथा स्ट्रक्चर बनेगा कि आप CH3 उसमें ऊपर ही लगा हुआ होगा, आप इसमें ब्रोमो ग्रुप जो है वो आप नाइट्रो ग्रुप बिल्कुल इसके साथ लगा दो और ब्रोमो ग्रुप जो है वो एक गैप से साथ उसके साथ यूं करके इस लोकेशन पे लगा दो, ठीक है। तो ये एक आपके पास स्ट्रक्चर बन गया। और इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बनता है? लेट्स ट्राई, हो सकता है कोई और भी बन जाए। अब आपने अगेन CH3 आपका ऊपर ही होगा, ठीक है, और आपने एक ब्रोमो लगाना है और एक नाइट्रो लगाना है। तो आप ऐसा कर लो कि एक यहां पे आप ब्रोमो लगा दो और एक यहां पे आप नाइट्रो लगा दो, ठीक है।
इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, यानी आपका मिथाइल की और मेटा पोजीशन पे ब्रोमो लगा है और पैरा लोकेशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, ठीक है, इस पे ऑर्थो लोकेशन पे नाइट्रो और पैरा पे आपके ब्रोमो लगा हुआ है, इस तरीके से आपके ये लगे हुए ग्रुप्स। इसके बाद और ब्रोमो नाइट्रो के क्या बन सकते हैं, एक और आइसोमर मेरे जहन में आ रहा है, एक आप यूं बना सकते हो कि मिथाइल तो उसके ऊपर ऊपर ही लगा हुआ होगा, उसमें आपके पास ब्रोमो और नाइट्रो ग्रुप्स इस तरीके से लगे हो कि नाइट्रो लगा हो इस लोकेशन पे और ब्रोमो लगा हो आपके पास नीचे, ठीक है, तो यूं आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो और डेट सेट, इसके अलावा के स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे इसके। आप चेक कर सकते हो कि आप इन्हीं को ना उल्टा करके देखो तो आप अब ये सोच रहे होगे कि मैंने इस साइड पे क्यों नहीं लगाया, लेफ्ट साइड पे इस वजह से नहीं लगाया बिकॉज इसी का इमेज होगा लेफ्ट साइड पे अगर मैं लगा भी दूं तो, ठीक है, तो आपके अब गिनो आपके पास टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 आपके पास स्ट्रक्चर्स बन गए हैं ब्रोमो नाइट्रो टोलुइन के, ठीक है। इस केस में मैं इग्नोर कर रहा हूं कि हम लोग डायरेक्टिंग ग्रुप्स को इग्नोर कर रहे हैं कि टोलुइन अगर पहले से हो और उसमें अगर नाइट्रो ऐड किया जाए, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि नाइट्रो टोलुइन अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है पहले नाइट्रो ऐड किया गया था या पहले ब्रोमो किया गया था या पहले अल्काइल ग्रुप किया गया था, सो वी आर जस्ट रिज्यूमिंग कि इसके हमें नहीं पता कि कैसे बनाया गया इसको, अलबत्ता ये इन मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपके नॉमेनक्लेचर के हो गए। इसके बाद हम को स्ट्रक्चरल उस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आपको स्ट्रक्चर गिवन हो और आपने उसका नाम लिखना हो, यहाँ पे एक CHO ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे नीचे आपके पास BR ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि आपको इस कंपाउंड में देखना होगा कि दो आपके पास अल्काइल ग्रुप्स हैं, एक आपके पास हेलोजन ग्रुप है और एक आपके पास CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आपको प्रायोरिटी में अगर आप देखो तो एल्डिहाइड सबसे ऊपर होता है, तो इसका मतलब है सबसे पहले तो आप इस कंपाउंड का नाम लिखो ना बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड आप नाम देने के बाद इसको आप वन लोकेशन दे दोगे। अब आप इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करो या इस साइड से स्टार्ट करो तो फर्क नहीं पड़ता, 2 3 4 5 6 काउंटिंग से इस वजह से फर्क नहीं पड़ता बिकॉज लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी ब्रोमीन को एक ही नंबर मिल रहा है, तो बेंजल्डी और दूसरा आपका मिथाइल ग्रुप्स दोनों बिल्कुल एक जैसी लोकेशंस पे लगे हुए हैं, तो इसका नाम बन जाएगा 2 और 6 लोकेशन पे दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 2 पे कॉमा 6 के ऊपर मिथाइल लगे हुए हैं, इसको मैं डाइमिथाइल बोलूंगा, ठीक है, और एक आपके पास 4 लोकेशन के ऊपर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, और आप अल्काइल ग्रुप्स जो हैं और ब्रोमो ग्रुप्स ये दोनों आ गए हैं, तो इस पे आप अल्फाबेटिक ऑर्डर वाइज अब इस दफा चलोगे, आप डाई 4 ब्रोमो पहले लिखोगे, 4 ब्रोमो, फिर उसके बाद आप लिखोगे 2 कॉमा 6, फिर आप लिखोगे डायमिथाइल, फिर आप लिखोगे बेंजल्डिहाइड, 4 ब्रोमो 2 6 डायमिथाइल बेंजल्डिहाइड इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, लेट से आपका कंपाउंड है कुछ ऐसा कि उसमें एक OH लगा हुआ है, एक I है, एक Cl है और यहां पे एक BR लगा हुआ है, ठीक है, और इसको आपने नाम देना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी वाइज देखना पड़ेगा, अब हेलोजेंस की बहुत कम प्रायोरिटी होती है और फिनोल ये बेसिकली इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और इस पूरे को मैं पहले, इसका स्पेशल नेम फिनोल है इस कंपाउंड का, तो ये फिनोल तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा फिनोल, और साथ में मैं वन लोकेशन भी दे दूंगा। अब ब्रोमो और आयोडो सेम लोकेशंस पे आ रहे हैं और दोनों हेलोजन ग्रुप्स हैं, उन दोनों की कोई सेम वर्थ है, सो मैं किसी भी साइड से काउंटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, सो मैं इसको 2 3 4 5 6 कर देता हूँ, ठीक है, मेरे पास 2 पोजीशन पे आयोडो लगा हुआ है और 6 पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है और 4 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है। और अब मुझे इस तरह करना होगा कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में इन तीनों को लिखना होगा, सबसे पहले बी आता है तो मैं ब्रोमो सबसे पहले लिखूंगा, 6 ब्रोमो, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आता है, सी आता है 6 हाइफन ब्रोमो हाइफन 4 हाइफन क्लोरो हाइफन 2 हाइफन आयोडो हाइफन फिनोल, सॉरी फिनोल, ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है। आप अगर नंबरिंग दूसरी साइड से आपने स्टार्ट की होती तो आपका नाम कुछ ऐसा हो जाता, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 आयोडो फिनोल,
ठीक है, तो आप इस तरह भी इसका नाम लिख सकते हो। इसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, ये जो आपके डायरेक्टिंग ग्रुप्स थे उनकी, डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। हम इसमें एक पैटर्न में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट से आप ब्रोमिनेशन करने जा रहे हो और आपको पता है कि बेंजीन की ब्रोमिनेशन हमेशा की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ FeB, अर्थफेरिक ब्रोमाइड की प्रेजेंस में आप इसकी ब्रोमिनेशन करते हो, ठीक है, ताकि आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल यील्ड करे Br पॉजिटिव। तो हम ऐसा करते हैं कि मुख्तलिफ इनिशियल एजेंट से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने टॉलोइन की ब्रोमिनेशन करनी है तो मेरे पास क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि टॉलोइन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपके पास। आपके पास CH3 है और CH3 पे मुझे अब देखना पड़ेगा कि ये ऑर्थो है, मेटा है या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो CH3 में अगर मैं गौर करूं तो कार्बन और बाकी सारे साइडों पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। और कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब है कि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अब टोलुइन के ऊपर ऑर्थो और पैरा लोकेशंस के ऊपर आपने ब्रोमीन्स लगा दें, आप ये ऑर्थो लोकेशन पे एक लगा दें, ठीक है, या फिर आपका एक प्रोडक्ट ये बन सकता है कि पैरा लोकेशन पे एक लगा हुआ, ठीक है, पैरा लोकेशन पे एक ब्रोमीन लगा हो, या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें ऑर्थो और पैरा दोनों लोकेशंस के ऊपर एक एक ब्रोमीन लगा वो। तो ये तीन बेसिकली प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, ठीक है, अगर आप टोलुइन की ब्रोमिनेशन कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो लेट से नाइट्रोबेंजीन की, तो फिर क्या बनेगा। नाइट्रोबेंजीन की ब्रोमिनेशन आप कर रहे हो तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे आपके पास। तो सबसे पहले आप नाइट्रोबेंजीन बनाओ। नाइट्रोबेंजीन में आपके पास NO2 है जिसमें नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ यूं करके बॉन्डेड है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो आपका ये नाइट्रोजन पार्शियली पॉजिटिव हो गया, जिसकी वजह से अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो तो फिर क्या होता है। इसमें देखो ऊपर आपके पास क्या था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, इस वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप थे। तो इसमें आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इस वजह से आपके पास ब्रोमीन आके अटैच होगा मेटा लोकेशन के ऊपर, और मेटा लोकेशन एक ही होती है NO2, और एक ही इसकी मेटा लोकेशन है। मेटा लोकेशन आपके पास कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे एक Br आके ऐड हो जाएगा और सिर्फ एक ही आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। इनिशियल पिछले केस में आपके पास तीन प्रोडक्ट्स बने थे। एक और हम देख लेते हैं। लेट से आपके पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, और हम बेंजोइक एसिड में देखना चाहते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे अगर ब्रोमिनेशन की जाए। तो लेट से आपका ये बेंजोइक एसिड हो गया जिसमें एक COOH लगा हुआ है, और ये COOH कुछ इस तरह होता है कि एक कार्बन होता है जिसके ऊपर डबल बॉन्डेड एक ऑक्सीजन होता है, और एक कोर ऑक्सीजन यूं करके OH आपका बना रहा होता है। अब अगर आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। और मेटा लोकेशंस के ऊपर अब आपने क्या करना है कि आपने ब्रोमीन ग्रुप लगा देना है। तो यहां पे ऊपर COOH और मेटा लोकेशन आपके पास ये वाली है, तो इस लोकेशन के ऊपर आप एक ब्रोमीन लगा दोगे, ठीक है। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट से आपके पास है फिनोल, और आपने फिनोल की सल्फोनेशन करनी, बल्कि हम ऐसा कर लेते हैं, फिनोल है और आपने फिनोल को क्या करना है, सल्फोनेशन करनी है, बल्कि यूं ही कर लो, सल्फोनेशन आपने करनी है फिनोल की, ठीक है। आपको याद होगा कि सल्फोनिक एसिड्स आपके पास बनते हैं जब सल्फोनेशन की जाती है। तो सल्फोनेशन आपको ये भी याद होना चाहिए कि मैंने बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में की जाती है, और सल्फ्यूरिक एसिड ही उसमें एज कैटलिस्ट यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है कि आपके पास SO3 ग्रुप यील्ड करता है, जो कि फर्दर सल्फोनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो फिनोल सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं OH, ठीक है, और अब हमें यह देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसे है। इसमें आपके पास OH में
ऑक्सीजन एंड साथ एक हाइड्रोजन आपका यूं करके जुड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। इसका मतलब है कि इस लोकेशन के ऊपर आपका इससे पैरा या ऑर्थो या पैरा डायरेक्टेंगी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सल्फोनेशन करनी है तो सल्फोनेशन में आपके पास SO3H आके अटैच हो जाता है उस लोकेशन पे, तो ऑर्थो लोकेशन और पैरा लोकेशन पे SO3H अगर आके अटैच हो तो आपके पास प्रोबेबल प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो कुछ ऐसे होंगे। ये फिनोल हो गया और फिनोल के ऊपर ऑर्थो लोकेशन पे आप एक SO3H यू लगा दें। ठीक है, तो ये आपके पास अब एक सल्फोनिक एसिड बन गया है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें पैरा लोकेशन के ऊपर एक SO3H लगा दें, SO3H। ठीक है, और ये एक पॉसिबल प्रोडक्ट है। और एक प्रोडक्ट आपका ये भी हो सकता है अगर बहुत ही हाई रिएक्टिविटी अगर हो जाए, आप बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन करवा रहे हो कि ऑर्थो और पैरा दोनों लोकेशंस के ऊपर SO3H आपके पास आके अटैच हो जाए। ठीक है, सो ये एक रिएक्शन की टाइप होगी। एक हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी मजीद। लेट से आपने पी पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन प्रिपेयर करना है, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, और आपको कह दिया गया है कि आपने दो स्टेप्स में इसको प्रिपेयर करना है, यानी एक आप रिएक्शन बताओ। ठीक है, कोई भी दो ऐसे रिएक्शंस बताओ कि दो स्टेप्स के अंदर आप पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन पे आ जाओ। ठीक है, एक चीज तो कंफर्म है कि आप बेंजीन से स्टार्ट करोगे। ठीक है, और आपने बेंजीन पे एक तो Cl लगाना है और एक NO2 लगाना है। ठीक है, तो आपके पास एक हाइलोजनेशन प्रोसेस है और एक आपके पास नाइट्रेशन प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं कि सबसे पहले मैं हेलोजिनेशन कर लूं यानी Cl2 को ऐड कर दूं, Cl2 ऐड करूंगा तो मुझे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 करना पड़ेगा, और Cl2 में ऐड करूं तो ये किसी भी लोकेशन पे, क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता आप ये कहां पे जाके अटैच करो, तो ये एक ही बात है, ये किसी भी लोकेशन पे आप अटैच कर दो। मैं इधर ऊपर लगा देता हूँ Cl। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, और इस प्रोडक्ट को अगर अब नाइट्रेशन की जाए इसकी, ठीक है, इस प्रोडक्ट की अब नाइट्रेशन की जाए, नाइट्रेशन की जाती है नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कि आपके पास नाइट्रोनियम आयन यील्ड करेगा। ठीक है, तो अब ये जो नाइट्रोनियम आयन है ये आके कहाँ अटैच होगा वो अब डिपेंड करता है Cl पे, और Cl आपको पता है कि Cl क्या है, आपके पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो या तो ऑर्थो लोकेशन पे या पैरा लोकेशन पे आके NO2 लग जाएगा, और इस केस में हम लोगों ने यील्ड पैरा करना है, पैरा लोकेशन P आपको यहां पे गिवन है, तो इसलिए आप Cl वहीं पे लाइन लगा रहने दो और पैरा लोकेशन पे आप आके एक NO2 लगा दो, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और देखो हम लोगों ने 1 और 2 स्टेप्स के अंदर किया। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता था कि गलती ये होती कि आप अगर स्टार्ट कर देते बेंजीन से और आप पहले कर देते उसकी नाइट्रेशन। ठीक है, और नाइट्रेशन करते जब आप, तो आपके पास क्या यील्ड होता इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता जिसमें ऊपर आपके पास NO2 लगा हुआ होता। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपने बनाया है जिसमें NO2 लगा हुआ है, इसमें NO2 जो है वो क्या है, एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, और अब अगर इसकी आप क्लोरीनेशन करो, क्लोरीनेशन अगर आप करो अब इसकी, तो आपके पास क्या होगा, क्लोरीनेशन आप फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में करोगे कि आपके पास ये जो क्लोरीन है ये मेटा लोकेशन पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रो वहीं पे है और क्लोरीन आपका मेटा लोकेशन पे आके अटैच हो गया। ठीक है, और अब अगर इस प्रोडक्ट को आपने नाम देना है तो ये आपके पास नाइट्रो बेंजीन है जिसमें मेटा लोकेशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, हालांकि हमें क्वेश्चन ये था कि आपने पैरा लोकेशन पे क्लोरीन लगाना है, तो आपका दो स्टेप्स भी हो गए और प्रोडक्ट भी ठीक से नहीं बना। ठीक है, ऊपर वाले में अगर आप देखो ये बेसिकली ये आपकी पैरा लोकेशन है। ठीक है, पैरा ये एक पैरा लोकेशन है, ये दूसरी पैरा लोकेशन है, ये दूसरे के हिसाब से पैरा लोकेशन है। अगर मैं इस नीचे वाले हिस्से को नाइट्रो बेंजीन बोल रहा हूं तो ये ग्रुप लोकेशन 1 है और ये लोकेशन 4 उसके हिसाब से पैरा लोकेशन है, तो पैरा लोकेशन पे क्लोरीन लगा हुआ है और आपका प्रोडक्ट पैरा क्लोरो और पीछे नाइट्रो बेंजीन। ठीक है,
और ये जो पैराक्लोरोनाइट्रो इसको नाम दिया गया, वो इस बेसिस पे दिया गया है कि नाइट्रो का एन बाद में आता है और क्लोरो का सी पहले आता है, ठीक है। तो ये अल्फाबेटाइज किया गया है क्योंकि आपका क्लोरो और नाइट्रो दोनों आपके कैटेगरी सी से बिलोंग करते हैं, जो कि आईयूपीएसी की कैटेगरी सी है, ठीक है। सो दैट्स इट। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10, जो कि है अल्काइल हैलाइड्स।